1 लाख के अंदर अंदर आपको जो है काम आज मैं गाड़ी में दिखाने वाला हूँ। अपनी ब्रेजा एलेक्सा ही है, कन्वर्ट कर दी गई है, UP 14 से अपनी गाड़ी रहने वाली है। अगर 20,000 की हेडलाइट्स पड़ जाती है आपको, गार्निशिंग मिल जाएगी रेंज वाली, जो कॉम्प्लीमेंट्री रहती है भाई, बेस्ट ऑफ काम करवाने कहीं से भी लगवाओ, जेनवन जरूर चेक करना कि माउंट का सिंबल होना चाहिए, तभी ये जेनवन होती है। कम्फर्ट कैसा सीट में? परफेक्ट। फोमिंग वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। फॉग लाइट की 1800 रुपए मिंडा की विद रिले वायर, कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी, कोई हिडन चार्ज नहीं। रूफ रेल आपको 1800 रुपए से लेकर के 2500 तक की रेंज में बढ़िया से बढ़िया मिल जाएगी। ड्रिल वाली लेते हो, जेन्युइन लेते हो, 7500 की। अलॉय व्हील्स? अलॉय व्हील आपको सारे काम पे 23,000 रुपए, 1200 रुपए की रेंज में सारे वर्क पे आपको फ्रंट एंड बैक दोनों स्किड गार्निश मिल जाएगी विद फिटिंग। सारे वर्क पे अगर आर्मरेस्ट की प्राइसिंग की बात करूं तो 2200 रुपए पड़ती है भैया। और अगर ZXI प्लस वाला स्टेयरिंग चाहिए किसी भाई को जो सिल्वर पट्टी के साथ आता है, वो 3500 रुपए का, और ZXI वाला स्टेयरिंग आपको 2500 रुपए का विथ हब। बाकी इनके पास ब्रांड देख लो, सारे ब्रांड्स में डील करते हैं, जो भी आप ब्रांड्स सुनते होगे भाई नाम, तो सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। स्पीकर की भी वैरायटी जो है काफी रहने वाली है, सारी मिलेगी भैया। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ, ਚੁੱਪਰ ਤੇ ਪਾਵੇ ਨੀ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨੀ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਤੀ, ਚੁੱਟੜ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੀ, ਰਿਹਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਹਣੀ ਏ, ਰਿਹਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ। सो हाय गाइस, कैसे हो सारे, आपका स्वागत है भाई आज का शो में। आज आप देख रहे हैं भाई हमारी नई वीडियो। कैसे हो सारे भाई, अपना ब्रेजा एलेक्साई फिर से लेकर आ गए हैं आज आप लोगों के लिए, पेश है ब्रेजा एलेक्साई फिर से लेकर आ गए आप लोगों के लिए। मॉडिफिकेशन दिखा रहे हैं आज आपको आज की वीडियो में। कलर रहने वाला है सिल्वर जो आ रहा है इसका, न्यू कलर है जो फ्रॉन्क्स में भी आ रहा है भाई। बाकी अपनी गाड़ी में जो बजट लगा है 1 लाख के अंदर अंदर आपको जो है काम आज मैं गाड़ी में दिखाने वाला हूँ। अपनी ब्रेजा एलेक्साई है, कन्वर्ट कर दी गई है। ये देखो फ्रेंड्स, अगर आप देख रहे हो कि गाड़ी आपको टॉप नहीं लग रही होगी, क्योंकि इसमें हेडलाइट्स चेंज नहीं हुई है। अगर 20,000 की हेडलाइट्स पड़ जाती हैं आपको, बाकी इसमें अभी जो है LEDs डाल दी हैं। LEDs की बात करते हैं तो इसमें ऊपर भी LED है, नीचे अगर आप बात करते हैं तो इसमें फॉग लैंप भी लगा सकते हो। इस गाड़ी में फॉग लैंप अभी इंस्टॉल नहीं हुए, बाकी इसमें कई चीज़ें आती है फ्रंट में चेंज कर सकते हैं, जो आपकी ग्रिल वगैरह आती है रेंज रोवर वाली, वो सब चीज़ आप भाई कर सकते हो, ठीक है जी। तो साइड प्रोफाइल से बात करेंगे तो यहाँ पर आपको गार्निशिंग मिल जाएगी रेंज रोवर वाली, जो कॉम्प्लीमेंट्री रहती है भाई बेस्ट ऑफ काम करवाने पर, ठीक है। इसके बाद नीचे देखोगे तो भाई अपना माउंटेन के साथ सिंबल के साथ में आपका जो है विला गार्निश भी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी किसी को अलॉय चाहिए तो अलॉय भी आपको अवेलेबल हो जहाँ पर हो जाएंगे, जेनवन काम जो है सारा आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जेनवनटी की बात करें तो जेनवन आपको इसमें चीज़ें गिनवाता हूँ, क्या क्या चीज़ें जेनवन मिलती है टॉप मॉडल वाली। एक हेडलाइट्स, एक फॉग लाइट्स, ठीक है जी। किसी को स्किड लाइट चाहिए जो आगे लगती है पीछे लगती है, वो भी होती है जेनवन, ठीक है जी भाई। 75% ऑफ जो है इसमें चल रहा है। गार्निशिंग की बात करते हैं तो अच्छा, हाँ मेन चीज़ जो रहती है भाई ज़रूरत की बात करते हैं। अगर ज़रूरत पे अगर देखोगे तो ज़रूरत में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, किसी को चेंज कराना हो तो ये भी चेंज हो जाता है, और किसी को इसी में वर्किंग चाहिए और मोटर डल जाती है वो भी आपको पॉसिबल हो जाएगा। उसमें क्या थोड़ा सस्ता पड़ेगा, किसी को मिरर चेंज कराया है तो मिरर चेंज की कॉस्ट थोड़ी एक्स्ट्रा पड़ती है, ठीक है जी। बाकी आओ साइड प्रोफाइल से और देखते हैं तो इसमें आपको चीज़ें गिनवाता हूँ जो साइड प्रोफाइल में मेन चीज़ें होती है। पहले नंबर पे आती है, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, रूफ रेल्स आती हैं सिल्वर में रहने वाली हैं। नीचे आते हैं तो नीचे आपको अपना क्रोम में गार्निशिंग मिल जाती है, डोर वाइजर बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे तो लोअर गार्निश जो कि क्रोम में रहने वाली है अपनी, ये क्रोम की पूरी यहाँ तक रहती है। और कितने पीस का सेट है आप यहाँ पर देख सकते हो, 3 पीस का आपको यहाँ मिलेगा, 3 पीस का उस साइड मिलेगा, ठीक है जी। तो 6 पीस टोटल रहने वाला है, बाकी ये 4 पीस का अपना इसको मिलाकर हो जाएगा, अगर ये 2 यहाँ पर हो गए और 2 उस साइड के हो गए अपने। नीचे बात करेंगे तो किसी को ये क्रोम चाहिए तो ये भी क्रोम हो जाएगा। आई पॉप के डोर प्रोटेक्टर जो है लगा दिए गए नीचे, आप देखेंगे तो ये अपनी साइड बीडिंग है, ये भी माउंटेन के सिंबल के साथ आएगी। कहीं से भी लगवाओ, जेनवन जरूर चेक करना कि माउंट का सिंबल होना चाहिए, तभी ये जेनवन होती है। अगर माउंट का सिंबल नहीं हो तो वो आफ्टर मार्केट माना जाता है, बाकी जेनवन जो है कंपनी तो ऐसी दे दी है, ठीक है जी। और बैक प्रोफाइल दिखाते हैं गाड़ी की, बाकी व्हीलर्स गार्निश पीछे भी है जो ऐसे कुछ लगा दिए। और फटाफट भाई बैक प्रोफाइल दिखाएंगे तो मेन चीज़ जो है बैक प्रोफाइल में रिवर्स कैमरा जो कि यहाँ पर लगाया है। रियर कैमरा की फिटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है गाड़ी में कर दी है। UP 14 से अपनी गाड़ी रहने वाली है। रिफ्लेक्टर जो है गाड़ी में लगा दिए हैं, रिफ्लेक्टर भी अपने इंडिकेटर के साथ मैट्रिक्स में वर्क करते हैं। आपको वर्किंग अभी दिखाता हूँ, अभी बंद कर दिए हैं, ऑन करेंगे तो यहाँ पर देख लो कैसे इसमें ऑन होते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है जी। इंडिकेटर दिखाएंगे आपको, इंडिकेटर कैसे वर्क करता है तो इंडिकेटर आप देख सकते हैं ऐसे कुछ फंक्शन में इसका इंडिकेटर वर्क करता है, ठीक है जी भाई। ऐसे कुछ रहने वाला, बाहर का काम अपना इतने कुछ था गाड़ी में भाई, बाकी किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जो है कराना होगा, रियर वाइपर वगैरह वो भी सब चीज़ पॉसिबल होती है। आप कांटेक्ट करेंगे, आपको नंबर पे दिए गए जो स्क्रीन पे नंबर है उन पे कांटेक्ट करेंगे तो रेट्स आपको पता लग जाएंगे। बाकी मेन जो काम है गाड़ी में इंटीरियर में हुआ है तो भाई गाड़ी का इंटीरियर देख लो भाई, सबसे पहले तो स्टीयरिंग पे फोकस करो। तो यहाँ पे स्टीयरिंग देख लो भाई, अपना टॉप मॉडल का स्टीयरिंग है जिसमें डुअल टोन रैप करा है इंटीरियर के साथ के कलर कस्टमाइज। इसमें सारे कंट्रोल वर्किंग आने वाले, अपने वॉल्यूम कंट्रोल वर्किंग है, म्यूट वर्किंग है, ये अपना कॉलिंग बटन वर्किंग है, बाकी ये आप देख रहे हो क्रूज वर्किंग रहने वाला, ठीक है जी। तो इसी के साथ में जो भाई अपनी गाड़ी का इंटीरियर जो सीट कवर आप देख रहे हैं ऐसे कुछ डिजाइन में सीट कवर बनाया है भाई। तो सीट कवर की ऊपर स्टार्ट करेंगे भाई, तो ऊपर आप देख सकते हैं इसमें जिप वाले जो है हेडर्स बनाए हैं। नीचे आके देखेंगे तो कुशन आपको मिलने वाला,
इसी के साथ में अपने डिजाइन जो है आप ऐसा कुछ जो है डिजाइनर भी देख सकते हैं। बाकी दरवाजे भी जो है इसके कस्टमाइज करें, एक बार दरवाजों का भी आपको क्लोज अप व्यू देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लो भाई, ब्रिटिश लेदर में जो है अपना सीट कवर और इंटीरियर डिजाइन करा है। एमएल लाइट जो है अपने दरवाजों में रहने वाली है, डैशबोर्ड में रहने वाली है। और बात करेंगे तो भाई ये अपना एंड्रॉइड देख सकते हो, इसमें फ्रेम जो है लग जाता है भाई, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक फ्रेम में फिटमेंट आपका क्लियर है, ठीक है जी। 4/32 आने वाला अपना एंड्रॉइड, इसमें आपका एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वर्किंग आने वाला है। बाकी इसमें डैशबोर्ड जो है चेंज करा गया है, डैशबोर्ड आप देख सकते हैं ये टॉप मॉडल में जो आता है वो डैशबोर्ड है भाई, ठीक है। इसमें पूरे आपका ब्राउन कलर का पार्ट जो है आ जाता है, देखने को मिल जाता है आपको। बाकी रैपिंग वगैरह कैसी लग रही है इसमें इंटीरियर की, कमेंट करके बता सकते हो। रैपिंग अगर देख लिए तो मेन जो होता है आर्मर स्ट्रैप होता है भाई। अगर आर्मर स्ट्रैप किसी का बढ़िया हो ना तो भाई मतलब गाड़ी में पास है उसका काम, ठीक है जी। अगर चाहे पीछे का देख लो, पीछे की सीट में चाहे आगे की सीट में, सही बोल रहा हूँ भाई। भाई आर्मरेस्ट का आपको फिटमेंट दिखा, तो आप फिटमेंट जो है आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, इसके एजेस और कॉर्नर्स चेक कर लो, आपको कैसी फिटमेंट देखने को मिलने वाली है। बाकी ये चीज़ जो है आपको जरूर चेक करनी चाहिए, कहीं पर भी काम करवाओ, चाहे यहाँ पे करो, चाहे किसी और दुकान पे करो। बाकी इसमें आप सीट कवर फिर से एक बार देख लो, बढ़िया जो है। अच्छा एक बात बताओ भाई, कम्फर्ट कैसा सीट में? परफेक्ट, फोमिंग वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़िया जी, फोमिंग वगैरह भाई ने पास कर दिया। स्पीकर की बात करते तो स्पीकर सेटअप में इसमें हर्ट्ज के जो है कंपोनेंट लगाए गए, ये देख लो हर्ट्ज का डब्बा अपना पड़ा है। इसकी एक साल की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है, 300 वाट के स्पीकर जो है कंपोनेंट पर रहने वाले हैं। बाकी इन भाइयों ने अपने एम की भी सेटिंग कर दी है। एम कौन सा लगाया भाई इसमें? एसएनबी का, ठीक है जी, एसएनबी का एम्प लगाया। इससे क्या रहेगा, आपका आउटपुट और बढ़ के निकलेगा, जितना कंपोनेंट नॉर्मल कंपोनेंट आउटपुट देते हैं वो एनएफ नहीं लग रहा था भैया को, तो हमने एम्प डाला जिससे अपने हिसाब से सेटिंग एडजस्ट करके बेस वगैरह बढ़ाई है, तो आउटपुट जो है काफ़ी बेहतर पहले से निकल के आ रहा है। बाकी इसकी लाइट जो है अंदर से हमने वाइट कर दी है, ये पहले येलो आती थी, वाइट हमने करके दे दी, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है जी। बाकी इसमें आपको इंटीरियर में पीछे की भी सीटें दिखा दो, इसमें आपको कुशन भी जो है भाई ने प्रोवाइड कर दिए, तो कुशन भी आप देख सकते हो भाई, ये 2 कुशन प्रोवाइड कर दिए, ताकि भाई की जो फैमिली अगर कभी पीछे साथ बैठेंगी या फ्रेंड बैठते हैं तो भाई उनके लिए भी कंफर्ट आपको देखने को मिलने वाला है। ये कुशन वगैरह सपोर्ट एडिड रहता है, ठीक है जी। बाकी ये पूरा सीट कवर का डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, ये पूरा आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन जो है कस्टमाइज अपना कर दिया गया भाई। और अगर मैं बात करता हूँ इसमें पैरों में जो है फ्लोरिंग करी गई है, मैट्स जो मैंने अभी नहीं लगवाए, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब मैट्स भी इसमें डालेंगे। बाकी फ्लोरिंग जो है कर दी है टेम्परेरी जो गाड़े, मैट्स बहुत ज़रूरी है फ्लोरिंग के बावजूद भी। बाकी इसकी अगर बात करते हैं, इसमें आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट देखने को मिल जाता है स्पीकर का। बाकी गियर नॉब भी जो है इसमें लगाया भाई, और इसमें काफ़ी काम जो है हुआ। बाकी स्टीयरिंग भी आप देख सकते हैं, ऐसे कुछ है एमएल लाइट्स की, इसके कंट्रोल जो है देख सकते हैं K4 रहने वाली है एमएल सेट अपनी, ठीक है जी। तो ये अपना एडजस्टमेंट जो है यहीं से कर सकते हैं आप एमएल लाइट्स की, बहुत ही बढ़िया सेटअप बनाया गया गाड़ी में। ब्राइटनेस भी इसकी एडजस्ट करते हो, ब्राइटनेस जो कम लग रही हो बढ़ा भी सकते हैं। रिमोट भी इसमें आपको मिल जाता है और बटन भी मिल जाता है और ऐप भी मिल जाता है। तो भाई ऊपर लेके आ गए हैं आपको, यहाँ पर देख लो मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट की आपको ब्रांडिंग के साथ डब्बे देखने को मिल रहे हैं। ऑटो क्लासिक शॉप पे लेकर आ गए हैं आपको, जहाँ पर दीपक भाई आज अपने को रेट जो है वीडियो के सारे बताने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं भैया, कैसे हो दीपक भाई? बढ़िया भैया। भैया आप कहाँ थे वीडियो में, कहाँ आए नहीं यार आप? थोड़ा सा काम फंसा था। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल। अब अपना स्टार्ट करते हैं भाई, हेडलाइट की कॉस्टिंग बताते हैं पहले स्टार्टिंग में। 20,000 भैया सारे वर्क पे। फॉग लाइट की 1800 मिंडा की विद रिले वायर, कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी, कोई हिडन चार्ज नहीं, ठीक है जी। और साइड प्रोफाइल में आते हैं, गार्निशिंग जो आती है रूफ रेल से स्टार्ट करेंगे। रूफ रेल आपको 1800 से लेकर के 2500 तक की रेंज में बढ़िया से बढ़िया मिल जाएगी। ड्रिल वाली लेते हो, जेन्युइन लेते हो 7500 की। अलॉय व्हील्स? अलॉय व्हील आपको सारे काम पे 23,000। सही में देख लो भाई, बिल्कुल भैया। दो आते हैं भैया, ब्लैक भी आते हैं, एक तो डायमंड, जेन्युइन कह रहा हूं डायमंड कट वाला जो डब्बा पैक आइटम रहता है, ठीक है। बाकी ब्लैक वाले के रिम आपके वेरिएशन आती रहती है, 15, 18, 20 के बीच में आपको मिल जाएंगे। बताओ 15,000 में अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं भाई, 15,000 स्टार्ट है और जाके जाके 23,000 तक है ना? 23,000 तक, ठीक है जी। बाकी आपके बजट के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो, दोनों आपको अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएंगे। बैक प्रोफाइल से बात करते हैं, जेन्युइन बैक प्रोफाइल में भी क्या लगता है, गार्निशिंग वगैरह लगती है क्या लगता है? गार्निशिंग भी आपकी एक तो रिफ्लेक्टर लग सकती है और बाकी फ्रंट बैक स्किड गार्निश लगती है। 1200 की रेंज में सारे वर्क पे आपको फ्रंट एंड बैक दोनों स्किड गार्निश मिल जाएगी विद फिटिंग। ओके जी, ओके जी भैया। बाकी भाई इसमें जेन्युइन जो चीजें आती है उसमें बहुत एक डिमांडेड चीज आती है जो हम भूल रहे हैं, आर्मरेस्ट। उसका क्या सीन है भैया? एक और रहती है भैया स्टीयरिंग। हाँ स्टीयरिंग, बिल्कुल बिल्कुल। आर्मरेस्ट और स्टीयरिंग में क्या सीन है भैया? अगर सारे वर्क पे अगर आर्मरेस्ट की प्राइसिंग की बात करूँ तो 2200 पड़ती है भैया। और अगर ZXI प्लस वाला स्टीयरिंग चाहिए किसी भाई को जो सिल्वर पट्टी के साथ आता है वो 3500 का, और ZXI वाला स्टीयरिंग आपको 2500 का विथ हब। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बाकी किसी को अगर ब्लैक चाहिए उसी का वही जो 2500 में ZXI वाला आता है ब्लैक वाला। ओके ओके ओके। और किसी को पैडल शिफ्टर वाला चाहिए तो? पैडल शिफ्टर वाला भी सेम प्राइस आपके लिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ऐसा कुछ जो है प्राइसिंग आपको देखने को मिल गई है, तो विद प्राइस और टाइटल अब जस्टिफाई हो चुका है, सारे प्राइस भाई ने बता दिए। अभी भी कोई प्राइस रह गया हो तो कमेंट करो या दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, सारे प्राइस आपको दिए गए अच्छे खासे बजट में डिस्काउंट के साथ बताया दिए जाएंगे। बाकी 75% ऑफ मारुति जेन्युइन पार्ट, जेन्युइन पार्ट जो एसेसरीज होती है जो हमारी पेस्टिंग वाली होती है
बाकी ओरिजिनल से ओरिजिनल आइटम आपको ऑटो क्लासिक पे मिलने वाली है। एक बार विजिट करिए शॉप पे, कोटेशन बनाइए, मार्केट से 10 से 15 हजार का आपको पॉकेट मनी से मिलेगा। ठीक है जी, भाई वेरिएशन देखने को मिलेगा। बाकी इनके पास ब्रांड्स देख लो, सारे ब्रांड्स में डील करते हैं, जो भी आप ब्रांड्स सुनते होगे भाई नाम, तो सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। स्पीकर की भी वैरायटी जो है काफी रहने वाली है, सारी मिलेगी। ये देख लो भाई, जीएल ऑडियो हो गया, ये सीरीज हो गया, हर्ट्ज हो गया, मिंडा हो गया, मोरेल हो गया, सब चीज ऑडिशन वगैरह तक मिलेगा आपको। बहुत बढ़िया जी, ये देखो तो हाई एंड सेटअप का भी पूरा यहाँ पर सेटअप अवेलेबल है। बाकी नेक्स्ट वीडियो तो बहुत धमाकेदार आने वाली है, हाई एंड सेटअप हमने करके दिखा दिया ब्रिजा में, है ना। बिल्कुल, तो वो वीडियो देखने के लिए सीएनजी मॉडल है ना, सीएनजी में भाई, जिसमें स्पेस नहीं होती डिग्गी में, तो उसमें सोच देखो भाई कैसे सेटअप करने वाले, आने वाली वीडियो पता लग जाएगा आपको। उसके लिए करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उस बंदे के साथ जिसने ब्रिजा लेनी हो या ले रहा हो, तो पैसे बचा लिए, सही जगह पे काम कराए, अच्छी जगह काम कराए। बाकी मिलते हैं आपसे आने वाली ब्रिजा मॉडिफिकेशन वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।